हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे गुलाम्स लॉ के बेस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें ये ए बॉल गिवन है, मेटेलिक बॉल है, ये हमारे पास दूसरी बॉल है, ठीक है। तो इस बॉल का मास हमें गिवन है 10 ग्राम, इस पे चार्ज हमें गिवन है 5 × −6 कूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमें बताना है, क्या बताना है, चार्ज ऑन बी, कि बी बॉल पर चार्ज कितना होगा, सो दैट अपर बॉल इज स्टेशनरी, अपर बॉल स्टेशनरी रहे तो बी बॉल पर चार्ज कितना होगा वो हमें बताना है। देखो, ये हमारे पास स्टेशनरी कब होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कब होगा, जब टोटल फोर्स जीरो हो, यानी इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक एमजी फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, एक बॉल अगर ये इसको रिपेल करता है तो एक फोर्स हमारा लगेगा इसमें ऊपर की तरफ। अगर ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाए तो ये स्टेशनरी रहेंगे, ठीक है, मूव नहीं करेगा, ठीक है, स्टेशनरी वाली कंडीशन आ जाएगी। यानी कंडीशन कौन सी है, एफ इज इक्वल टू एम जी होना चाहिए। एफ किसके इक्वल है, 1/4πε0 q1 q2 / r2, ये फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एम जी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहां पर इसकी, 9 × 10⁻⁹ इंटू q1 की वैल्यू देखो कितनी है, 5 × 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है 7 सेंटीमीटर, को मीटर में बनाएंगे तो 10⁻², और उसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एम कितना है 10 ग्राम, 10 ग्राम को मैं किलोग्राम में बनाऊंगा तो 10⁻³ से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 10 ग्राम हमारा मास है, इनटू जी की वैल्यू कितनी है 9.8, इनटू यहां पर Q2 भी है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहां से Q2 निकालता हूं तो Q2 की वैल्यू क्या होगी, देखो 10 × 10⁻³ इनटू 9.8 यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर पहुंच जाएगा तो 7 × 10⁻²⁔ का स्क्वायर इधर हो जाएगा एंड डिवाइड बाय ये दोनों टर्म नीचे आ जाएंगे 9 × 10⁻⁹ इनटू 5 × 10⁻⁶। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व आप इजीली कर सकते हो, तो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.067 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। क्वेश्चन मेरा आ गया है तो मैंने उसको आंसर मुझे पता है तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट। हमें मेन जो फोकस करना था वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में फॉलो करना था कि नीचे वाला फोर्स है ऊपर वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कूलम्स लॉ का आज की वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जा रहा हूं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी बुक में, तो इसको मैं लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा कि ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है और इस कॉर्नर्स पर क्यों चार्जेस दिए हुए हैं, ये इसका सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड राइट एंगल ट्राइंगल तो साइड्स इक्वल होंगी, एल एल एंड एल में लेट कर लेता हूं, ये सेंट्रोइड वाला पॉइंट है, इस सेंट्रोइड पर फोर्स निकालना है, मान लेते हैं सी इस पॉइंट को मैंने नेम दिया। तो क्वेश्चन है हमारा यहां पर, फाइंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू, इस पर एक चार्ज प्लेस कर दिया है कैपिटल क्यू। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू ऑन सेंट्रोइड, जो सेंट्रोइड पर है इस पर हमें टोटल फोर्स फाइंड आउट करना, ठीक है। चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये हमारा, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो अगर यहां पर कैपिटल क्यू चार्ज है तो ये वाला क्यू चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन, ये वाला भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये वाला भी क्या करेगा, रिपेल करेगा,
तो टोटल मिला के मेरे पास फोर्स हो, ये एफ वन मान लेता हूँ, इसको एफ टू मान लेता हूँ, इसको एफ थ्री फोर्स मान लेता हूँ। ये तीन फोर्सेस हमारे यहाँ पर लगे, इस चार्ज ने इसको इधर रिपेल किया इस डायरेक्शन में, इसने इसको इधर रिपेल किया, इसने इसको इधर रिपेल किया इस डायरेक्शन, नीचे की तरफ रिपेल किया, ठीक है, इस तरफ नीचे की तरफ रिपेल किया। तो तीन फोर्सेस हमारे यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। अब हमें यहाँ पर टोटल फोर्स निकालना है। तो देखो ये एंगल हमारा 60 का होता है, अब तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है ये हम चेक करेंगे, लेकिन ये जो एंगल बनेगा हमारे पास वो 120 का बनेगा, ये एंगल भी 120 का बनेगा, ये एंगल भी 120 का बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास जो ट्राइंगल है वो कैसी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल दी हुई। तो देखो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पर एक फोर्स मेरा F3 नीचे की तरफ है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो जो F1 है और F2 है इधर वो ब्रेक हो जाएंगे एंगल की तरफ, F1 cos 60 डिग्री और F2 cos 60 डिग्री, क्योंकि ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो एंगल की तरफ 60 डिग्री में ब्रेक हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स जो मेरा सी पॉइंट पर आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आंसर अगर हम इसका निकालते हैं और रिजल्टेंट फोर्स जो सी पर निकालते हैं वो क्या होगा, आर एफ आर मैं लिख देता हूं, वो किसके इक्वल होगा, एफ टू कॉस 60 डिग्री प्लस एफ थ्री कॉस, सॉरी एफ वन कॉस 60 डिग्री एंड प्लस एफ थ्री, तीनों फोर्सेस के सम के बराबर हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। देखो इसका एक कंपोनेंट में इधर लिया कॉस, इसका एक कंपोनेंट इधर लिया कॉस, ऐसे साइन वाले कंपोनेंट इधर आएंगे, F1 sin 60 डिग्री एंड F2 cos 60 डिग्री। तो देखो ये जो पॉइंट है जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे यहां से, उतनी डिस्टेंस से यहां से है, तो मैं इसको नेम दे सकता हूं, ये A B C O दे देते हैं, C हमने इसको नेम दिया हुआ है, तो ये OC AC एंड BC इक्वल है, एज OC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, तीनों डिस्टेंसेस क्या है इक्वल है, इन तीनों को मैं R के बराबर मान लेता हूं। तो देखो अगर मैं यहां से F1 फोर्स निकालता हूं या F2 फोर्स निकालूं या F3 फोर्स निकालूं, क्योंकि चार्जेस भी सेम है डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स क्या होगा हमारा सेम होगा, और फोर्स सेम होगा तो वैल्यू क्या होगी, K Q इंटू कैपिटल Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, जो मैंने R मान रखा है तो R का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि डिस्टेंस क्या हमारी सेम है, सेंटर ऑफ द की डिस्टेंस कॉर्नर से सेम होती है। तो और क्या होगा, देखो यहां से इनको मैं इक्वल मान लेता हूं, तो तीनों हैं, तो मैंने जनरल सा वर्ड मान लिया एक F। अब देखो रिजल्टेंट फोर्स अगर मैं एफ आर यहां से निकालता हूं, रिजल्टेंट फोर्स मैं एफ आर यहां से निकालता हूं तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और हम यहां से देख सकते हैं, देखो इनकी डायरेक्शन में देखो तो इसकी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो एक साइड हमें पॉजिटिव लेना होगा, एक साइड हमें नेगेटिव लेना होगा। तो ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव मान लेते हैं, तो जो F3 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस की, क्योंकि नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन आ रही है, क्लियर। तो FR देखो यहां से FR अगर मैं निकालता हूं तो F2 की वैल्यू कितनी है, F cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस F1 भी किसके इक्वल है, F के इक्वल है, और cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस F3 की वैल्यू भी कितनी है, F है। तो अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालता हूं तो F/2 F/2 F हो जाएगा माइनस F, तो क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया मेरा सेंट्रोइड पर, जीरो आ गया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सिमेट्री है, सिमेट्री देखो तीनों पर सेम चार्ज हमारा रखा हुआ है और सेंटर पर हम निकाल रहे हैं, तो एक सिमेट्री बन गया हमारे पास, सिमेट्रिकल डायग्राम बन गया। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल डायग्राम बनता है तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर पर जो हमारा टोटल चार्ज टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, क्लियर। ये बात आपको समझ में आई होगी। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूं यहां पर, ये जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, इफ डायग्राम इज सिमेट्रिकल
नॉट करके आप इसको नॉट कर सकते हो इफ डायग्राम इज सिमेट्रिकल, अगर हमारा डायग्राम सिमेट्रिकल होगा देन द टोटल फोर्स एट द सेंटर इज जीरो। सेंटर पर टोटल फोर्स जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डायग्राम में लेट कर लेता हूं, अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, इस पर भी मेरा प्लस क्यू चार्ज, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज, स्क्वायर है, सारी डिस्टेंसेस सेम है, एल एल एल, ये सेंट्रोइड। तो देखो ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस, ये चारों डिस्टेंसेस क्या होंगी, आपस में सेम होंगी, ठीक है। डिस्टेंसेस सेम होंगी, कितनी होगी, एल बाई रूट टू आएगी इसकी यहां से यहां तक, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो देखो ये प्लस, अगर मैं यहां पर प्लस वन चार्ज मान लेता हूं, ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, तो चारों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो कैंसल आउट हो गए, रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा हमारे पास, जीरो आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास डायग्राम सिमेट्रिकल है, डायग्राम सिमेट्रिकल है, जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मैं एक हेक्सागोनल लेके भी यहां पर आपको शो कर सकता हूं। अगर मान लेते हैं कि ये मैंने हेक्सागोनल लाइट कर लिया और यहां सेंट्रोइड है, यहां पर हमारे पास चार्जेस रखे हैं, तो इसकी कंडीशन भी वही होगी, क्योंकि ये कैसा हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, और अगर सिमेट्रिकल हो गया तो ये इसको देखो इधर रिपेल करेगा, अगर प्लस वन चार्ज मान लेते हैं, और ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो कैंसल आउट हो जाएंगे, ऐसे ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल, कैंसल आउट, ऐसे सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, टोटल फोर्स यहां पर भी, रिजल्टेंट फोर्स यहां पर भी कितना होगा, जीरो होगा। अगर मैं क्यूब भी लाइट कर लेता हूं, अगर मैं क्यूब भी लाइट कर लेता हूं, तो वो भी हमारे पास सिमेट्रिकल होगी, और उसके सेंटर पर भी, यहां पर एक क्यू चार्ज, यहां पर एक क्यू चार्ज, यहां पर एक क्यू चार्ज, ऐसे सभी डायरेक्शन में हमारे पास क्यू चार्जेस हैं सारे कॉर्नर्स पर, तो भी इस वाले पॉइंट पर टोटल फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। तो मैंने लाइन लिखी है, इफ डायग्राम इज सिमेट्रिकल देन द टोटल फोर्स एट द सेंटर इज जीरो। सेंटर पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं। देखो अगर ये डिस्टेंस मान लेता हूं, यहां पर मेरे पास स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक मान लेता हूं एल, और ऐसे इसकी एक डिस्टेंस मान लेता हूं मैं एल, ठीक है, या आर एल एक्स मान लेते हैं, और आपसे ये बोला जाता है कि एक चार्ज को अगर हम रिमूव कर दें, क्या बोला जाता है कि एक चार्ज को अगर हम रिमूव कर दें तब टोटल फोर्स कौन सा होगा। देखो अगर मैं ये वाला चार्ज यहां से हटा देता हूं, ठीक है, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है इधर, ये इसको इधर कर रहा है, इसको इधर कर रहा है, तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स मेरा किधर बनेगा, इधर केवल एक चार्ज की वजह से होगा, तो इस कंडीशन में जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, हमने यहां पर वन मान रखा है तो के क्यू वन क्यू टू की जगह वन यूज कर लो। सिंगल या इसमें निकालोगे आप, तो देखो ये इसको कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल करेगा, अगर मैं ये वाला चार्ज हटा देता हूं तो ये इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इस वाले चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब जो एक चार्ज हटाने के बाद जिस पर फोर्स बनेगा वो केवल एक चार्ज की वजह से बनेगा, वो क्या आ जाएगा, के क्यू इंटू वन अपॉन एल स्क्वायर। ऐसे इसमें भी अगर मैं कोई भी एक चार्ज हटा देता हूं तो इसमें भी जो रिजल्टेंट फोर्स हमारा आएगा वो के क्यू इंटू वन बाई डिस्टेंस एक्स मान रखिए, तो मैंने एक्स का स्क्वायर लूं। सिमेट्रिकल होगा तो जीरो, और अगर हम एक चार्ज हटा देते हैं तो टोटल जो हमारे पास निकल के आएगा वो टोटल फोर्स केवल एक चार्ज की वजह से होगा, जिस चार्ज को हमने हटाया उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल कंडीशन है। क्लियर, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आईआईटी मेन की जगह पर हमारा एआई ट्रिपल ई हुआ करता था, जिसको हम आईआईटी मेन आज कह सकते हैं। तो आईआईटी मेन में वो क्वेश्चन आया हुआ है 2004 में, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम कह सकते हैं, ये हमारा आईआईटी मेन में क्वेश्चन आया हुआ है 2004।
क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन हम यहां पर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर्स के कॉर्नर पर, स्क्वायर्स के कॉर्नर पर आपको एक चार्ज दिया हुआ है, यानी सारे कॉर्नर्स पर चार्ज दे रखा है। यहां पर भी माइनस क्यू, 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 और सेंटर पर हमारा एक चार्ज है प्लस का क्यू। सेंटर पर चार्ज है हमारा प्लस का क्यू। आपको फाइंड आउट करना है क्यू की वैल्यू, ठीक है। इफ सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी वो हमें यहां से निकालनी है। ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं, तो ऑप्शन में एक बार यहां लिख देता हूं। फर्स्ट हमें ऑप्शन दे रखा है माइनस क्यू बाई फोर वन प्लस टू रूट टू। सेकेंड ऑप्शन हमें दे रखा है क्यू बाई फोर वन प्लस टू रूट टू। थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है माइनस क्यू बाई टू वन प्लस टू रूट टू। एंड फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है क्यू बाई टू वन प्लस टू रूट टू। ये ऑप्शन है हमारे पास, हमें इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। बोला है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। देखो अगर मैं इस पॉइंट को लेके चलता हूं तो वही कंडीशन फॉलो हो रही है कि ये वाला इसको अपनी तरफ एक्ट्रेट करेगा, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज है, अपनी तरफ एक्ट्रेट करेगा, ये अपनी तरफ कैंसिल आउट होकर जीरो आ जाएगा। तो इस वाले पॉइंट के लिए तो हमारा इक्विलिब्रियम में है, रिजल्टेंट फोर्स हमारा जीरो आएगा। अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक चार्ज को लाइट करके चल लेते हैं उस पर, क्योंकि पूरे सिस्टम के लिए बोला है, तो जरूरी नहीं केवल सेंटर पर इक्विलिब्रियम हो, किसी अनदर चार्ज पर भी इक्विलिब्रियम होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैंने इस वाले पॉइंट को लाइट कर लिया। इस वाले पॉइंट पर देखो ये वाला चार्ज क्या कर रहा है, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ये कैसा चार्ज है ढंग से देखना, यहां पर इसको मैं F1 फोर्स मान रहा हूं, इसको मैं F2 फोर्स मान रहा हूं। ये प्लस Q चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको मैंने F3 माना, और ये माइनस Q चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इसको मैंने F4 माना, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको हम एक लाइन में लेके आते हैं, एक एक्सिस के अलोंग लेके आते हैं। तो देखो ये एंगल 45 डिग्री का और ये एंगल भी 45 डिग्री का। अगर F1 को मैं इधर ब्रेक करता हूं तो कितना हो जाएगा, F1 cos 45 डिग्री। सिमिलरली F2 कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलरली साइन ऐसे आएगा, इसका साइन ऐसे आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो रिजल्टेंट फोर्स अगर मैं यहां से क्या कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब टोटल फोर्स इस पर क्या होगा, जीरो के बराबर। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब F3 इस डायरेक्शन में तो प्लस का मान रहा हूं मैं, या फिर ऐसा करते हैं इन तीनों को प्लस का मान लेते हैं, F3 इसके अपोजिट है उसको माइनस का मान लेते हैं। तो क्या होगा, देखो F4 प्लस F2 cos 45 डिग्री प्लस F1 cos 45 डिग्री माइनस F3 इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में बोला है कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, और सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा, टोटल फोर्स इस पॉइंट पर जीरो। तो मैंने देखा कि इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू मैंने पॉजिटिव ली, और इस डायरेक्शन में मैंने इसकी नेगेटिव ली, तो F3 मैंने माइनस कर लिया। इक्विलिब्रियम में है, रिजल्टेंट फोर्स मैंने जीरो के बराबर यहां पर पुट कर दिया। वैसे अगर हम, क्योंकि ऑप्शन में माइनस भी दे रखा है, तो माइनस का ना ले प्लस का भी ले सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो हमारा माइनस का निकल के आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो हमारा होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर निकालना है स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं, प्लस का ही लेके चलते हैं, सारे फोर्सेस को हम प्लस का मानकर चल रहे हैं, रिजल्टेंट क्योंकि माइनस में आंसर है तो माइनस में आ जाएगा हमारा। तो देखो F4 की वैल्यू कितनी है, F4 हमारे पास क्या है, इसके और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस ये, इसको मान लेते हैं हम एल 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 एल,
ये L है, ये L है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूँ डिस्टेंस टोटल कितना बनेगा यहां से यहां तक रूट टू एल। तो अगर मैं F4 निकालता हूं तो F4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K Q का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है माइनस का Q तो Q Q है दोनों, Q का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है रूट टू एल का स्क्वायर, रूट टू एल का स्क्वायर हो जाएगा प्लस F2 एंड F1। मैं देख सकता हूं कि F2 मेरा इधर है और F1 इधर है, दोनों का डिस्टेंस क्या है L L, दोनों के चार्जेस क्या है Q Q, ठीक है, तो दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे इसलिए मैं दोनों को डबल मान सकता हूं कि 2 F2 की वैल्यू पुट कर लो केवल A Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या है L, तो L का स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस F3, तो F3 हमारा कौन सा है ये इस स्मॉल चार्ज के यानी प्लस के स्मॉल Q के बीच में इसके बीच के डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा K स्मॉल q कैपिटल q अपॉन इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा टोटल का हाफ, टोटल का हाफ करोगे तो l by root 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा जीरो के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा जीरो के बराबर होगा। तो आगे देखो सॉल्व करो k k k जीरो में चला जाएगा, यहां से सॉल्व करो एक बार इसको, वैसे q स्क्वायर सॉरी q ओनली एक क्यू यहां से एक क्यू यहां से एक क्यू यहां से वो भी मल्टीप्लिकेशन में जीरो में चले जाएंगे, तो क्या बचेगा q अपॉन 2l स्क्वायर यहां से बचेगा प्लस 2q by l स्क्वायर यहां से और k q चला गया हमारा जीरो में l by l स्क्वायर by 2 यहां से, तो देखो इज इक्वल टू जीरो, l हमारा फिर से यहां पर जीरो में चला जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो गए तो क्या बचेगा यहां से q by 2 plus 2q plus 2 small q ऊपर चला जाएगा is equal to 0, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है q की वैल्यू, तो 2q is equal to ये इधर जाएगा तो माइनस कॉमन आ जाएगा q by 2 plus 2q, ठीक है, और यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हूं तो देखो q की वैल्यू क्या होगी, ये 2 हमारा यहां से डिवाइड में पहुंच जाएगा, ठीक है 2 यहां से डिवाइड में पहुंचेगा तो क्या होगा माइनस का q by 2 और प्लस q, तो क्या ये हमारा आंसर मैच कर रहा है। अच्छा एक चीज और हम यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, हमने cos 45 की वैल्यू जो कॉमन होके आ रही थी इनका डबल किया था, cos 45 वैल्यू पुट नहीं की तो उसकी वैल्यू 1 बाई रूट 2 और यहां पर आएगी cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, तो रूट 2 इसके साथ चलेगा, रूट 2 से ये रूट 2 बार कटेगा, तो जब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो q बाई 2 ये आएगा रूट 2, ठीक है, और जब q इधर जाएगा तो ये रूट 2 बाई 2 और ये 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4। आगे देखो आगे सॉल्व कर सकते हैं q is equals to minus q, q हमारा बाहर ले लो, ठीक है q हमने बाहर ले लिया और q by 2 बाहर ले लेते हैं, चलो q by 2 मैंने बाहर ले लिया तो यहां क्या बचेगा 1 by 2, तो यहां से q by 2 plus root 2 q हमारा हो जाएगा minus q by 4 plus root 2, यहां से अगर हम q by 4 कॉमन लेते हैं तो सीधा सीधा यहां से कॉमन पर बचेगा 1 plus 2 root 2, ये हमारा आंसर आएगा, देखो मैच कर रहा है किसी से q by 4 1 plus 2 root 2, तो इससे ये मैच कर रहा है हमारा, माइनस का हमारा आंसर आ गया, अगर मैं इसको माइनस का लेके चलता तो किस में आता प्लस का यानी सेकंड आंसर आता, ठीक है, तो अगर इसको माइनस का भी अगर हम लेके चलते हैं मान लेते हैं कि f3 हमारा माइनस का हो जाता है उसके बाद ये यहां माइनस का हो जाएगा और उसके बाद ये हमारा माइनस का हो जाएगा और ये बात उसके बाद हमारा ये माइनस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस का आ जाता, हमारे पास सेकंड आंसर आ जाता, ठीक है, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन को मान के लेके चल सकते हैं, माइनस एफ थ्री मान सकते हैं, माइनस एफ थ्री मानेंगे तो हमारा आंसर प्लस का आएगा और प्लस का आएगा तो हमारे पास सेकंड आंसर करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हमारा आईआईटी मेन 2004 में क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन और मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं,
जो हमारा आईआईटी मेन 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है इसी टाइप का है, आप इजीली उसको कर सकते हो जैसा हमने अभी किया था, इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा आईआईटी मेन 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर पर माइनस क्यू दो अपोजिट में और एक क्यू एंड प्लस क्यू स्मॉल क्यू है वो इधर है, ठीक है। ये इस टाइप से हमारे चार्जेस यहां पर प्लेस हैं। ये कहता है कि इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू इज जीरो, इफ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू इज जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा जीरो हो जाता है, माइनस के नहीं है प्लस के गिवन है, ठीक है, तो इज जीरो हो जाता है, फाइंड कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, तो हमें रेशियो निकालना है इनका, इनका रेशियो कितना होगा, क्यू बाय क्यू, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का रेशियो हमें बताना है। तो यही हमें क्वेश्चन में गिवन है और कुछ इसके अलावा गिवन नहीं है। आंसर हमें दे रखे हैं, फर्स्ट आंसर हमें दे रखा है 1, सेकंड आंसर हमें दे रखा है 1 माइनस 1 बाय रूट 2, थर्ड आंसर हमें दे रखा है माइनस 2 रूट 2 एंड फोर्थ आंसर हमें दे रखा है माइनस 1। तो आप मैच कर सकते हो इनसे और सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो, खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अब हम इसको आगे कराते हैं, ट्राई कर रहे पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, मैं इसको आगे कराता हूं। देखो क्या होगा, वही कंडीशन मैंने किसी भी क्यूब चार्ज पर, या तो इस पर मान लें या इस पर मान लें। अगर देखो इस पर मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन ले लेता हूं, नेट फोर्स जीरो मानता हूं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये प्लस वाला चार्ज को रिपेल करेगा इधर, ये वाला प्लस चार्ज को इधर रिपेल करेगा और ये क्यूब वाला चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो टोटल फोर्स हुए 3 F1 F2 एंड F3। ये इसकी लाइन में हमारा आ जाएगा, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल हमारा 45 डिग्री, तो ये F1 cos 45 डिग्री और ये F2 cos 45 डिग्री, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो हमारा जो F3 है वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो टोटल फोर्स कितना हुआ, F3 प्लस F1 cos 45 डिग्री प्लस F2 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 0, क्योंकि नेट फोर्स क्या बोला है, क्यू चार्ज पर 0 होगा। तो देखो F3 की वैल्यू पुट करें, मान लेते हैं ये हमारे पास L, L स्क्वायर की ईच साइड है, L तो आपको पता है यहां से अंदर डिस्टेंस हो जाएगा √2L, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, AQ into Q, Q का स्क्वायर, ये भी Q है, ये भी Q है, तो Q का स्क्वायर डिस्टेंस कितना है, √2L का स्क्वायर, प्लस F1 निकालो, F1 स्मॉल Q into कैपिटल Q, यानी K स्मॉल Q into कैपिटल Q एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना L, तो L का स्क्वायर, प्लस दूसरे वाला भी लिया जाएगा। अच्छा ये और बचा है हमारे पास cos 45 डिग्री, cos 45 की वैल्यू 1/√2, सिमिलर देखो इसके लिए वही होगा, F2 KQ डिस्टेंस भी वही है, तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर पुट कर देता हूं। देखो AQ यहां से वो हमारा 0 में चला जाएगा और L का स्क्वायर वो भी हमारा 0 में चला जाएगा, तो क्या बचेगा, फिलहाल देख लेते हैं, यहां से Q बाय √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस क्यू हमारा यहाँ पर बचा हुआ है, k चला गया और ये q चला गया, तो स्मॉल q बचेगा अपॉन √2 यहाँ से बचेगा इज इक्वल टू 0। और देखो और क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो q अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस √2q, √2 से 2, √2 बाहर कट जाएगा हमारा, तो √2q आ जाएगा। यहां से अगर मैं कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, -2√2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड वाला आंसर हमारा यहां से मैच कर रहा है, तो ये हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा।
क्लियर है, बात समझ में आई होगी आपको। जैसा पहला क्वेश्चन था सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया है। अब एक क्वेश्चन और की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर ले रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है ए चार्ज क्यू इज टू बी डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स। एक चार्ज है क्यू, वो डिवाइड किया है टू ऑब्जेक्ट्स में, एक ये मान लेते हैं एक ये मान लेते हैं, इन पर रखा हुआ है टू ऑब्जेक्ट्स में। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस, मान लेते हैं इस पर हमारा स्मॉल क्यू वन चार्ज आया, इस पर स्मॉल यानी क्यू टू चार्ज आया, ठीक है, लेट कर लेते हैं अभी, इतना चार्ज हमारे पास आएगा। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्जेस ऑन द ऑब्जेक्ट सो दैट फोर्स बिटवीन देम कैन बी मैक्सिमम। हमें क्या करना है, फाइंड फाइंड q1 एंड q2 इफ इफ फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। फोर्स क्या हो इन दोनों के बीच में, मैक्सिमम हो। कौन सी कंडीशन है हमारे पास, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, इस q चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, मान लेते हैं इस पर स्मॉल q चार्ज, तो इस पर कितना बचेगा, कैपिटल q माइनस स्मॉल q। भाई अगर ये 4 है, मान लेते हैं 1 इसके पास गया तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 यानी 3 आ जाएगा। इस पर मैंने स्मॉल q माना, इस पर मैंने q माइनस कैपिटल q माइनस स्मॉल q माना। तो देखो अगर मैं फोर्स निकालता हूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, k q कैपिटल q माइनस q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस मान लेते हैं r है इन दोनों के बीच का, ठीक है, डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, कोई डिस्टेंस गिवन नहीं है, लेट कर लेते हैं कि r है तो क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि फोर्स विल बी मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, 20 50 60 जितना भी आएगा कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, और अगर मैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो क्या आता है, जीरो। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स होगा तो हम df अपॉन dq इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। देखो df अपॉन dq निकालो, उसको 0 के इक्वल पुट करो, तो df अपॉन dq हमारे पास क्या हो जाएगा, d अपॉन dq, पहले यहां से देखो कांस्टेंट क्या है, k और r स्क्वायर कांस्टेंट, तो क्या बचेगा अंदर, कैपिटल q माइनस स्मॉल q इज इक्वल टू 0, ये हमारा 0 में चला जाएगा, सॉरी यहां पर डिफरेंशिएशन लगा देते हैं, d अपॉन dq हमें किसका करना है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी तो 0 में चला जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, इसका डिफरेंशिएशन हमें 0 के बराबर रखना है, यानी d अपॉन dq इज इक्वल टू करना है हमें स्मॉल q कैपिटल q माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन करो, कैपिटल q हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, dq अपॉन dq बचेगा यहां से, dq अपॉन dq, q का हमें करना है तो dq अपॉन dq हो जाएगा, इसका देखो पावर आगे आ जाती है तो माइनस q dq अपॉन dq इज इक्वल टू 0, तो ये कट जाएंगे आपस में, q माइनस 2q इज इक्वल टू 0 और 2q इज इक्वल टू q और स्मॉल q की वैल्यू आई q by 2 प्लस, ये हमारे पास यहां से आंसर निकल के आ जाएगा, q is equal to plus q by 2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया, ठीक है। मैक्सिमम कंडीशन ये आपको याद रखने की, df upon dq को 0 के बराबर कर देंगे तो मैक्सिमम की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, कूलम्स लॉ पे हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसी के बीच थोड़ा सा रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें गिवन है 3 स्फीयर्स, हमें गिवन है इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है और इस पर भी प्लस क्यू चार्ज, और ये हमारे पास ए स्फीयर, ये बी स्फीयर, ये सी स्फीयर आइडेंटिकल स्फीयर है, तीनों जो स्फीयर है हमारे पास आइडेंटिकल है यानी सेम रेडियस के हैं, तो इन दोनों पर इनिशियली चार्ज है, इस पर नो चार्ज है इनिशियली, ठीक है। क्या किया हमने, सी को पहले हम इसके कॉन्टेक्ट में लेके आए, फिर सी को हम इसके कॉन्टेक्ट में लेके आए, उसके बाद हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोर्स, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द इफेक्ट
ऑन फोर्स बिटवीन ए एंड बी इफ सी इज फर्स्ट टच टू ए एंड देन बी एंड फाइनली रिमूव्ड। बाद में हमने इसको अलग हटा दिया सी। तो देखो क्या आंसर होगा इसका। अगर सी को मैं इसके पास लेके आता हूं, सेम रेडियस के आइडेंटिकल है, तो देखो अगर मैं ए और सी को कांटेक्ट में हमने टच किया आपस में, तो ए पर हमारा चार्ज बचेगा क्यू बाई टू और सी पर भी चार्ज हो जाएगा क्यू बाई टू। यानी मैंने सी को यहां से सेपरेट किया तो ए पर मेरा चार्ज आया क्यू बाई टू, हाफ हाफ चार्ज हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब सी के पास कितना चार्ज है क्यू बाई टू, मैं किसके कॉन्टेक्ट में लेके जा रहा हूँ इसको, बी के कॉन्टेक्ट में लेके जा रहा हूँ। तो क्या होगा, देखो ये मेरा B है और इसके कांटेक्ट में मैं लेके आया C को, B पर मेरा Q चार्ज है और इस पर मेरा Q by 2। अभी भी क्या होगा, हाफ चार्ज डिवाइड हो जाएगा, हाफ इस पर आ जाएगा, हाफ इस पर आ जाएगा। तो अगर मैं Q plus Q by 2 divide by 2 करता हूं तो कितना होगा, देखो देखो कितना होगा, क्योंकि दोनों का हमें हाफ करना है, इनको ऐड करो पहले, ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 3q by 2 divided by q, यानी 3q by 4 चार्ज आ गया हर एक ईच पर। तो यानी ये b वाले पर मेरा चार्ज कितना आया, 3q by 4 चार्ज आया। a वाले पर कितना है q by 2 और इस पर कितना है 3q by 2। अगर मैं इनिशियल चार्ज की बात करता हूं तो जो हमारे पास इनिशियल फोर्स की बात करता हूं तो इनिशियल फोर्स कितना होगा, सिंपल k q स्क्वायर बाय दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लेते हैं कि दोनों को मैंने r डिस्टेंस पर रखा हुआ, तो f is equal to k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर हमारे यहां से आ गया। अब इसकी वैल्यू हो गई q बाय 2 3q बाय 4। तो देखो जो अब f डैश हमारे पास यहां से निकल के आएगा वो f डैश कितना हो जाएगा, k q1 q2 यानी q by 2 into 3 q by 4 distance यानी r का square हो जाएगा। तो f is equal to देखो कितना हो जाएगा k q